हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वोकैब से रिलेटेड सेशन और कुछ सेशन हमने ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड डाले हैं, तो आज मैं आपको वोकैब करवाने जा रहा हूं। वोकैब के अंदर मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं, और प्रेपोजिशन ऐड करने के बाद वो फ्रेजल वर्ब अपना एक डिफरेंट मीनिंग देती है। वो अपना एक एक्चुअल मीनिंग नहीं देती जो वर्ब और प्रेपोजिशन का आता है, बल्कि वो एक ऐसा मीनिंग देती जो एक फिक्स किया हुआ मीनिंग होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ ना कुछ फ्रेजल वर्ब्स करवाने जा रहा हूँ, जिन्हें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह वो अलग वे से ट्रीट करते हैं, उनका अलग ही मीनिंग निकलता है जो हमने फिक्स किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेजल वर्ब लिखी एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है डू अकॉर्डिंग टू, मतलब होता है किसी के अनुसार काम करना। अगर कोई हमें कहे, हम उसी अकॉर्डिंग जब हम कोई काम करते हैं, वो होता है एक्ट अपॉन। एग्जाम्पल लिखा, वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की सलाह के अनुसार, एडवाइस के अनुसार हमें काम करना चाहिए। वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए। दूसरी मैंने लिखी एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है अफेक्ट। अफेक्ट मतलब किसी चीज पर कोई प्रभाव डालना, किस चीज के ऊपर किस तरह का अफेक्ट पड़ा है, किस तरह का प्रभाव पड़ा है। इसके लिए मैंने लिखा द पेशेंट बिकेम मैड एज द मेडिसिन एक्टेड ऑन हिज ब्रेन। भाई जो पेशेंट था वो पागल हो गया था जब जो मेडिसिन थी ना, उन्होंने उसके ऊपर एक गलत प्रभाव डाल दिया था उसके दिमाग पर, इसी वजह से वो पेशेंट मैड हो गया था। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लेना चाहूं, जिससे मैं बोलूंगा यू शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन बिकॉज दिस मेडिसिन एक्ट ऑन योर हेल्थ। आइए अगला करते हैं। नेक्स्ट में मैंने लिखा वेट ऑन का मतलब होता है टेक केयर करना, किसी की देखभाल करना। वेट ऑन का मतलब होता है टेक केयर करना, किसी की देखभाल करना। इसमें मैंने लिखा शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, उसे अपने बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट में लिखा है एक्ट फोर। एक्ट फोर का मतलब होता है टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन एल्स, यानी किसी के स्थान पर कार्य करना। अगर कोई प्रेजेंट ना हो या कुछ सिचुएशन हो जिसकी जगह हम किसी दूसरे को काम पर भेजते हैं उसी के अकॉर्डिंग, यानी टू वर्क इन प्लेस ऑफ समवन एल्स। एग्जाम्पल हुआ यस्टरडे आवर वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर द प्रिंसिपल एज ही वाज इल, कल हमारे जो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने हमारे प्रिंसिपल की जगह काम किया था क्योंकि वो बीमार थे। अगला लिखा मैंने बेकआउट का मतलब होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम ए प्रोमिस, यानी अपने वादे से मुकर जाना। टू विदड्रॉ फ्रॉम ए प्रोमिस, अपने वादे से मुकर जाना। इसका हुआ ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रोमिस, यानी वो अपने प्रोमिस से मुकर गया था, वो अपने वादे से मुकर गया था। नेक्स्ट हुआ बैकअप। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, यानी किसी चीज की सहायता करना, सपोर्ट करना। इसमें हुआ ही बैक्ड अप हिज सन, उसने अपने बेटे को सपोर्ट किया था। अब देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट में लिखा है अकाउंट फोर का पहला मतलब होता है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, पहला मतलब, इसका मतलब एक और मीनिंग भी है इसका, टू बी द कॉज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का कारण बनना, ठीक है। इसका मतलब हुआ हिज एरोगेंस अकाउंट फॉर हिज डाउनफॉल, उसकी जो एरोगेंस थी वो उसके डाउनफॉल की, उसके पतन का कारण बन गई। अगला हुआ अकाउंट फॉर, इसी का दूसरा मीनिंग होता है टू विद अ प्रोपोर्शन ऑफ, यानी किसी चीज का कितना हिस्सा, कितना प्रोपोर्शन। इसमें आएगा डेटोल अकाउंट फॉर 50% ऑफ द एंटीसिपेट मार्केट, यानी जो डेटोल है उसके अंदर उसने जो अपना 50% हिस्सा जो है अपनी एंटीसिपेट मार्केट में दिया गया है, यानी 50% हिस्सा, यानी प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन है डेटोल का एंटीसिपेट मार्केट में। अगला हुआ एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब टू कोज पेन का मतलब किसी चीज की परेशानी करना या परेशानी का कारण बनना। जिसमें लिखा गया है माई कार स्टार्टिंग एक्टिंग अप अगेन इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी मेरी कार ने दोबारा से
परेशान करना शुरू कर दिया जब रोड के मिडल में थी। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट होता है ईज ऑफ। ईज ऑफ का मतलब होता है टू बिकम लेस सीवियर, किसी चीज को कम दर्दनाक करना, किसी चीज का दर्द या पेन कम करना। इसमें आएगा द पेन शुड बी ईज ऑफ आफ्टर सम टाइम, जो दर्द जो है वो थोड़ी देर में अपने आप कम हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद पेन कम हो जाएगा यानी लेस हो जाएगा। अब बताता हूँ ईज, ईज के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। ईज होता है नाउन और इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टी या एब्सेंस ऑफ एफर्ट, यानी कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें एक मुश्किल मतलब वो चीज कम मुश्किल होना, उसमें एफर्ट्स का ना लगना, उसमें डिफिकल्टीज ना होना, उसको बोला जाता है ईज। इसका एग्जांपल हो गया कि गेव अप स्मोकिंग विद ईज, उसने जो स्मोकिंग है ना वो बिल्कुल आसानी से छोड़ दी थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसको कोई डिफिकल्टी या कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े थे। अगली इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब, यानी नाउन की तरह भी यूज होता है और एक वर्ब की तरह भी यूज होता है। और इसमें हम देख रहे हैं जिसका मतलब होता है टू बिकम या टू मेक लेस डिफिकल्ट या लेस पेनफुल, किसी चीज को कम डिफिकल्ट बनाना, आसान बनाना या फिर उसको कम पेनफुल बनाना। इसका एग्जांपल हुआ दीज पिल्स शुड ईज द पेन, ये जो गोलियां है ये इन गोलियों से जो पेन है ना वो कम हो जाना चाहिए, इस गोलियों से पेन जो है वो लेस हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। जब हमने लिखी एक्ट फोर, एक्ट फोर का मतलब होता है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, मजबूत इच्छा होना। इसमें लिखा आई एम एक्टिंग फॉर मेकिंग ए फॉरेन टूर, मुझे एक फॉरेन टूर पर जाने की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा है, बहुत ही ज्यादा इच्छा है, मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। इसके बाद मैंने लिखा एंटर ऑन या एंटर अपॉन आएगा, दोनों ही आते हैं। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, यानी कुछ स्टार्ट करना है, कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करना है, कुछ नया कुछ भी स्टार्ट करना। इसमें आ जाता है ही एंटर्ड अपॉन करियर ऑफ ए नोबल राइटर, उसने अपना एक नोबल राइटर के रूप में अपना एक करियर स्टार्ट किया। ठीक है, अगला फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, यानी किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ना है, किसी चीज का टुकड़ों में टूटना। इसमें आ गया अवर फर्नीचर इज फॉलिंग अपार्ट, हमारा जो फर्नीचर है वो टुकड़ों में टूट रहा है। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, कैसे इनको पढ़ा जाता है, कैसे इनका अलग मीनिंग निकाला जाता है, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना है आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू मेरे दोस्तों।